हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना सिंह। आज के सिनेमा और सत्य की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में मैं आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपको कल की फिल्म का रिव्यू देने वाले हैं जो आज ही रिलीज हुई है आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। कल की 2898 एक 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है जो नाग अश्विन जी ने डायरेक्ट की है और सी अस्वानी दत्त ने व्याजयंती मूवीज के अंडर प्रोड्यूस की है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हसन है। ये फिल्म कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली इंस्टॉल है और ये हिंदू स्क्रिप्चर्स से इंस्पायर्ड है। ये कहानी 88-98 AD के पोस्ट अपोक्लिप्टिक दौर की है जो सम 80 मिशन पर है, जो बेसिकली कल्कि, जिसे लॉर्ड विष्णु का अवतार माना गया है, जो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का अनबॉर्न चाइल्ड है। जब से फिल्म शुरू होती है उसकी स्टनिंग विजुअल्स और इंट्रिकेट सेट डिजाइन व्यूअर्स को ऐसे वर्ल्ड में ले जाती है जहाँ एशियंट लेजेंड और मॉडर्न एस्थेटिक्स साथ में मिलते हैं। प्रभास कल्कि के लीड रोल में पावरफुल परफॉर्मेंस देते हैं। उन्होंने अपने परफॉर्मेंस साथ सबको एक बार फिर से बाहुबली 1 और 2 के बाद हैरान कर दिया। सपोर्टिंग कास्ट भी शाइन करती है जिसमें लीडिंग लेडी दीपिका पादुकोण शामिल है। दीपिका का कैरेक्टर पोर्ट्रेल नैरेटिव को डेप्थ और इमोशनल रेजोनेंस देता है जो प्रभास की इंटेंसिटी को परफेक्टली काउंटर बैलेंस करता है। दोनों लीड्स के बीच की केमिस्ट्री इंटेंस है। फिल्म में लेजेंड अमिताभ बच्चन के साथ साथ कमल हसन भी दिखाई दिए हैं जिनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। कंक्लूजन में कल की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म है जो इंडियन सिनेमा के बेस्ट को शोकेस करती है, तो ये फिल्म जरूर देखिएगा। फिल्म एक्सपेक्टेड है कि मैसिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ ओपन करेगी क्योंकि वर्ल्ड वाइड 4 मिलियन से ज्यादा टिकट्स पहले ही सेल हो चुकी है और फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 55 करोड़ कमा लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म डे 1 पर वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ कमाएगी और प्रेडिक्शन ये है कि फिल्म फर्स्ट वीकेंड में 500 करोड़ से ज्यादा कमा लेगी, जो कि हैरान करने वाली बात है। सो वेल फ्रेंड्स, ये था कल की फिल्म का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई है तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए।